नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। दोस्तों, आईपा एक मंच प्रदान करता है प्रगतिशील राजनीति के लिए और जिससे प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। दोस्तों, इस समय हम अपने चुनावी सफर को जारी रखते हुए पहुंचे हैं प्रयागराज, गांव बेलवा, है ना, ग्राम बेलवा, और ये आता है फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में। और अपने यहाँ सबसे पहले पूछते हैं, नमस्कार जी, आप अपना नाम बताएं। नौरंग बहादुर सिंह। बहादुर सिंह, आप बताएं, यहाँ कुछ कितने नेता लोग जो है आपके सामने से हाथ जोड़कर निकल गए, तो ये क्या नेता कुछ समाधान समस्याओं का मिला कि नहीं मिला? ना, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं मिला उनसे। क्यों? अरे अब वो अपना जा ही तैती समझे, वहाँ का काम किए और नहीं तो चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे एक बात बताइए, ये कब से यहाँ का चुनावी समीकरण जो है, मतलब कितने कितने वोट हैं यहाँ पर और कितनी जातियाँ हैं और कितनी जातियों के अनुसार कौन कौन पार्टी को वोट किसको करेगा? उसको कहेगा, उसको सभी जान रहे हैं, जात बात पर पूरी जाएगी, ये संभाल लीजिए। हाँ हाँ, और यहाँ जितने कांग्रेस ने जो कर गए उसके अलावा कोई अच्छा काम नहीं किया है। अच्छा, कांग्रेस के बदौलत जितना वो न्याय पर काम करता था, कोई ये नहीं कि विधायक चाहे तो ये काम कर दे, ये काम कर, तो विधायक लोग करते क्या है कि वो अपना समीकरण जिसको जो उनके चमचे हैं जो कहेंगे वही काम करते हैं बस। अच्छा, उनके चमचे पर काम करते हैं। और आप पहले के विधायक जो थे वो सबको एक तस्मान समझते थे, और जैसे जात बाद आ गया तब से और देश बर्बाद हो रहा है, कोई अच्छाई पर नहीं चल रहा है। अच्छाई पर कोई नहीं चल रहा है, मतलब राजनीति के स्तर में गिरावट आई है या नहीं आई है? आला तो चाहिए, मगर अब देखिए क्या होता है, भविष्य का आप बता नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ से बिलवा से किसका कितने वोट हैं और किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है? देखिए, अभी तो जो है पार्टी सरकार बढ़िया रही, जो कुछ रहा बैल गाय ये सब परेशान खेती चर जा रहे हैं, किसान को चाहिए बढ़िया सुविधा, बढ़िया बीज, बढ़िया किसानी रहे, चरे न नुकसान न हो। अब एक बात बाकी योगी जी जो ये बैल वेल का जो है सब छोड़ छाड़ दिए, सांड जो है चर रहे हैं। देखिए, तपस्या और धन धर्म जो है से जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन किसान बैल बेचते थे 17-18 हज़ार पा जाते थे, अब वही बैल जो है छोड़ छोड़ के पहाड़ दे रहे हैं, इसलिए कोई ले ही नहीं रहा है, तो नुकसान तो किसान ही को हुआ। तो मतलब सरकार जो है कोई अभी भी रोजगार बच्चे पढ़ करके रोड पे घूम रहे हैं, एकदम से उसमें जात पात तो है नहीं, बच्चों में विद्यार्थी में कोई जात पात नहीं है, सब बेरोजगार पड़े हुए घूम रहे हैं, तो इसलिए इस पर भी ध्यान नहीं दिया। अब भाई गेहूं चावल तो कोई भी सरकार बन जाएगी, आज भी और कल भी कोई सरकार आ जाएगी तो गेहूं चावल जैसे रहेगा वैसे देता रहेगा। अच्छा, किसान जब कमा करके वहाँ टैंक नहीं करेगा तब तक गेहूं चावल कहाँ से बांटेगा सरकार? जब पैदावार ही नहीं होगी, जब पैदावार ही नहीं होगी तो वो उसको जमा कहाँ करेगा, और जब जमा करेगा नहीं तो बांटेगा कहाँ? अगर माल ही कम रहेगा तो वो महंगाई भी बढ़ेगी। बहुत महंगाई है सर, इतनी महंगाई है कि बेरोजगारी सब ऐसे घूम रहे हैं सड़क पे बेचारे, खाने की नहीं अट रहा है, सब गरीब मर गए, लाइन लगाते लगाते मर गए। बनिए को फायदा है, समझा, ऐसे गरीबों सब ऐसे परेशान है, पूरी बाहर से सब जितने पब्लिक जितना बच्चे हैं कमाते थे मोट महीन कमाते थे सब अपने अपने घर आ गए हैं, 1,000 में सिलेंडर होगा, सिलेंडर बांट बांट करके बताइए कहाँ से होगा, एक गरीबी कहाँ से जाएगी, गरीबी गरीबी गरीब को और कर दिए हैं, सरकार गरीब को ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। पर वो कहते हैं कि अगर सड़क बनती है तो सबके लिए बनती है, अगर नौकरियां मिलती हैं तो सबको मिलती हैं, तो ऐसा सरकार का जिस लायक है सरकार वह लायक, भाई जिस लायक के बच्चे हैं उस लायक को नौकरी मिलेगी, जब उस लायक नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, जब उस लायक होंगे तो नौकरी मिलेगी, तो उस लायक बनेंगे कैसे? बनेंगे मतलब जब कोई सरकार सुविधा देगी तो सर मतलब होगा,
मिलेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा। सारी स्कूलों बंद कर दिए, दो दो साल स्कूलें लॉकडाउन में बंद कर दिए। अरे वो तो पूरे दुनिया के बंद हो गए, कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? अच्छा, बच्चा कहाँ से पढ़ेंगे? घर पे बैठे हैं तो कहाँ से उनको पढ़ेगा कौन? रोज कोरोना में पूरी स्कूलें बंद हैं, बच्चे सब घर पे बैठे हैं, तो पढ़ाई जब नहीं करेंगे तो स्कूल कहाँ से करेंगे? और जब स्कूल नहीं करेंगे तो अच्छी नौकरियां कैसे लगेंगी? अच्छी नौकरियां नहीं लगेंगी तो जीवन स्तर कैसे सुधरेगा? ऐसा आपका मानना है, है? बिना ये ऐसी सरकार है, गूंगे बहरी सरकार है। हाँ। ये सिर्फ जात पात धर्म की बात करती है। आज देखिए, अभी भी तक ग्रुप डी में आज से 10-20 साल पहले कोई भी पेपर होता ग्रुप डी, उसमें CBT 1 होता था, केवल एक एग्जाम होता था। लेकिन आज ऐसी वैकेंसी आज सरकार आई है कि उसने CBT 2 भी लागू कर दिया है, जिसको अभी 2-4 दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लड़कों ने आंदोलन किया था। लड़कों के हॉस्टल में जाके पुलिस प्रशासन ने, ये पुलिस प्रशासन किसी और की नहीं है, ये मठ के योगी बाबा की प्रशासन है जो जाके बच्चों के हॉस्टल में घुस के उनको मारी है। तो अरे ये कौन बोल रहा है? बिल्कुल सही। अच्छा, जो बच्चे हैं जो इंटर हाई स्कूल पढ़ के घूम रहे हैं गांव में, कोई वैकेंसी नहीं दे रही, जो भी पेपर वैकेंसी आ रहा है उसका पेपर आउट हो जा रहा है। तो इस वजह से ये सरकार किसी भी काम में सफल नहीं है। हमारे यहाँ के प्रवीण विधायक पटेल जी हैं, उनका इतिहास इतना गंदा है कि वो हर साल 5 साल में पार्टी बदलते रहते हैं। पर टिकट तो दोबारा BJP से मिला है। तर्कों के ऊपर बात होना, एकदम सही दिए हैं, सही दिशा पे बोल रहे थे, कोई गलत नहीं बोल रहे थे, एकदम जो बात कहे थे एकदम स्पष्ट, इनमें 100% हम इनके साथ है। सब रोजगार एकदम युवा समझ गया भाई साहब। आपका नाम? विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जी, करोना चिल्लाता है। अच्छा, स्कूल इतना दिन के चलता है, मास्टर 50-50 हज़ार तनख्वाह पाते, बच्चे घरे बैठे सारे एक खाने पर मर जाएंगे, खाने भी नहीं सारे खाएं, खाना बन रहा है स्कूल में। अच्छा हाँ बिल्कुल, खाना पर मिलता है छोटे छोटे बच्चे के, आधा खाएं आधा मास्टर ले जाएं। अच्छा ऐसा भी है, ऐसा है यहाँ पे, ऐसा है, क्या हर जगह कार सब ठीक होती, कोनो खराब नहीं होती, बोला सरकार चाहो नहीं करती है। पर जैसे विधायक है, विधायक बने घरे बैठा हो जीवन रखबे नहीं करी ससुर, कि कहाँ नहर टूट गई, कहाँ नाली आए, कहाँ नहरी आए, कहाँ काया है, बताइए आप। और प्रधान जी जाके बताते तो होंगे ना, कि देखो विधायक को बोलते होंगे, प्रधान जी बताते तो जनता मानती नहीं, तो सरकार के ध्यान देना चाहिए ना, क्यों नहीं? बिल्कुल। क्या 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 क्या, आ जाओ इधर ही आ जाओ ना, वहाँ से जाके बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? कोटे में 80% लोगों को गल्ला मिल रहा है, कभी उन्होंने इंक्वायरी किया कि गरीब लोग पा रहे हैं कि सब बड़े लोग ही उठा रहे हैं? कभी इस पर तर्क वितर्क लगाया उन्होंने? बताओ, 2 साल हो गया हम भूमिहीन हैं, आज तक राशन नहीं मिला, तुम्हारे कोरोना का लॉकडाउन लगवाने से हम जैसे गरीबों को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। अरे पर कोरोना का लॉकडाउन तो पूरी दुनिया में नहीं लगा गया? तो पूरी दुनिया में गल्ला फ्री बंटवा रहे हो, हमको पैसे को भी नहीं मिल रहा है कोटे में, हमसे इस सरकार से क्या मतलब है? बच्चे खाने के लिए हम भूमि नहीं है, 10 बीघा वाले गल्ला ले जाते हैं फ्री के उठा के, ट्रैक्टर वाले बोलेरो वाले ले जा रहे हैं, सर्विस मैन ले जाते हैं, लेकिन हम जैसे भूमि गरीब आदमी नहीं पाते। सरकार कभी इंक्वायरी किया? मैंने विधायक जी से कहा। अच्छा कहा? सप्लाई इंस्पेक्टर से कहा, कोटेदार से मैंने कहा, प्रधान से कहा, कहीं नहीं सुनवा, ऑनलाइन नेट पर चढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरा पूरा यूनिट उड़ गया है। क्या उड़ गया? हाँ पूरा यूनिट, एक बार दो यूनिट कटा, फिर 3 यूनिट बचा, तीनों यूनिट उड़ गया, काट दिए। तो बताइए, आज तक नेट पर नहीं चढ़ रहा है, जब तक तुम्हारा, मैंने विधायक जी से कहा, विधायक जी ने कहा कि जब तक फ्री वाला गल्ला बटेगा आपका नहीं मिलेगा। आपको बताओ, गरीबों को तुम क्या ध्यान देते हो? 10 बीघा वाले राशन कोटे से ले जा रहे हैं, हम जैसे भूमिहीन गरीब 2 बिस्से वाले भूखे मर रहे हैं, आज तक 2 साल हो गया गल्ला नहीं मिला हम लोगों को, कहीं सुनाई नहीं। कई कई जगह हम लोगों को कोई भाई साहब बोल रहा था, कोई बोलना चाह रहा था, बना बना कटा के छोड़ो, कटा दिन राशन ने कार्ड बना रहा हमार, ओका कटवा दिन कार्ड बना था हम लोग का, आज 5 साल हो गया नहीं है, 5 साल हो गया कट गया, कार्ड बना था, कार्ड बन रहा था, लेकिन आज 5 साल हो गया, अब कुछ भी नहीं है, कट दिया, कुछ नहीं देते, कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों किया? अब वो लोग बोलते कट गया भाई तुम्हारा, बस यही बताया कट गया, बस वहाँ आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है आपका? आधार कार्ड भी है, बना हुआ है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा दोस्तों। आए तो यहाँ पर हम कुछ और जानने थे, लेकिन हमें यहाँ लोगों की समस्याओं के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता चल गया।
और यहाँ पर वोट इस ग्राम से वोट किसका मान के चलें, कितने वोट हैं यहाँ पर? समाजवादी पार्टी से। दोस्तों आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, और मैं कैमरा पर्सन बिंदेश्वर के साथ यहाँ पर हूँ ग्राम बेलवा से, और अपने चुनावी सफर को हम जारी रखेंगे। आप देखते रहें आईपा। धन्यवाद।